चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। किसान क्रांति यात्रा लेकर दिल्ली पहुंचे किसानों ने अपना मोर्चा वापस ले लिया है। बुधवार की सुबह किसान नेता नरेश टिकैत ने इसका ऐलान किया, जिसके बाद किसान अपने अपने गांव लौटने लगे। मंगलवार देर रात किसान मोर्चा को दिल्ली में एंट्री दे दी गई थी। एंट्री के बाद ये सभी सीधा किसान घाट पहुंचे और वहां जाकर हड़ताल खत्म कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह के स्मारक किसान घाट पहुंचे किसानों ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा करी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा, 23 सितंबर को शुरू हुई थी किसान क्रांति यात्रा, किसान घाट पहुंचकर खत्म हो गई है। चूंकि दिल्ली पुलिस ने हमें राजधानी में घुसने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए हमने प्रदर्शन किया था। हमारा मकसद यात्रा को खत्म करने का था, जो अब पूरा हुआ। अब हम अपने गांव जाएंगे। हालांकि अभी इनकी मांगों को लेकर सरकार की कोई पहल पर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। बता दें कि मंगलवार को किसानों और पुलिस के बीच काफी हिंसक संघर्ष देखने को मिला था। किसानों को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोकने के लिए यूपी और दिल्ली दोनों राज्यों की पुलिस ने पूरा जोर लगा रखा था। मंगलवार देर रात करीब 12:30 बजे पुलिस ने बैरियर खोल दिए और किसानों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत दे दी। बता दें कि मंगलवार सुबह करीब 11:15 बजे किसानों का यह आंदोलन तब हिंसक हुआ जब उन्होंने पुलिस के बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में घुसने की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक किसानों ने पत्थरबाजी की, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दिए, पानी की बौछारें छोड़ी, लाठियां चलाई, रबड़ की गोलियां भी दागी। करीब आधे घंटे तक अफरा तफरी जैसे हालात में 100 से ज्यादा किसानों को चोटें आई, कुछ गंभीर भी। वहीं दिल्ली पुलिस के एक ACP समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हुए।